बिसम राहम स्टूडेंट हमने जितने भी पहले चैप्टर डिस्कस किए हैं जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है वो रिलेट करते थे प्रोबिलिटी से वो हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया अब हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि है रेशन एंड कोरिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेशन को हम समझेंगे कि रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या क्यों इम्पॉर्टेंट और कहाँ यूज़ होता है और इसकी इक्वेशन क्या है मॉडल क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इन द क्वेश्चन तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिग्रेशन एंड को रिलेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिग्रेशन अगर सिंपल वर्ड में रिग्रेशन में डेफिनेशन करती हूँ तो मैं कहती हूँ मैयर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल हम अगर सिंपल डेफिनेशन इसकी करें तो हम कहते हैं मैयर Measure of dependency between two variables. ये सिंपल डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि टू वेरिएबल्स अगर आ, हम कहते हैं कि मयर ऑफ़ डिपेंडेंसी जो है बिटवीन द टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ रिग्रेशन तो हमारे पास रिग्रेशन की अगर हम सिंपल डेफिनेशन नोट करते हैं तो वो आप नोट कर लें कि मैयर ऑफ डिपेंडेंस डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड अ रिग्रेशन स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्टन जो थे सर गैल्टन उन्होंने ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया था उन्होंने एनालाइज किया था कि जो आ, हाई हाइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड हाइट्स ऑफ पेरेंट्स को देखा था ठीक है ये फिनना जहाँ से स्टार्ट है हाइट्स ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ठीक है वो कहते थे कि जो ट पेरेंट्स हैं वो टॉल चिल्ड्रन रखते हैं और जो स्मॉल पेरेंट्स हैं उनके जो चाइल्ड हैं वो भी स्मॉल है तो हम कहते थे कि द एवरेज हाइट ऑफ चिल्ड्रन टेंट बैक्स टू रिग्रेस टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मैन दिस टेडेंसी टूर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मैन वॉज कॉल्डन बाई गेल्टन जो गेल्टन से सर गैल्टन दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द टर्म ऑफ रिग्रेशन उन्होंने क्या एनाल किया था कि जो टॉल पेरेंट्स हैं वो टॉल चिल्ड्रन रखते हैं और जो शॉर्ट पेरेंट्स हैं वो शॉर्ट चिल्ड्रन रखते हैं तो जो टेंसी टू वर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मैन वॉज कॉल्ड द रिग्रेशन बाई गैल्टन बट नाउ वी आर डिस्कसिंग रिग्रेशन इन द डिफरेंट सेंस अब जो है रिग्रेशन जो है वो डिफरेंट सेंस में यूज हो रही है अब किस सेंस में यूज हो रही है कि हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी जो है बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड द रिग्रेशन इन विच वी हैव टू वेरिएबल कौन कौन से हैं वाई इज इक्वल्स टू जीना ए प्लस बी एक्स मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ तो दिस इज आ डिपेंडेंट वेरिएबल ये हमारे पास क्या आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है एंड एक्स इज़ द इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता है एक्स की वैल्यूज़ आपको फिक्स गिवन होती हैं आपने एक्स की वैल्यूज़ के साथ आपने वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो तो वाई एक्स पे डिपेंड करता है वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है बट एक्स जो है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है तो हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अगर आप इसको पढ़ोगे कि यह हमारे पास क्या हैं तो आप कहते हो कि वाई इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वन और मोर अदर वेरिएबल कॉल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रोवाइज द इक्वेशन टू बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग और प्रिडिक्टिंग द एवरेज वैल्यू

फिक्स वैल्यूड होती हैं एंड वाई इज हैज़ द रैंडम वैल्यूज़ ये हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ नहीं होती हैं बल्कि रैंडम वैल्यूज होती हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है रिग्रेशन अब आप अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन करोगे तो आप कहोगे द रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप ये भी कह सकते हो कि मेयर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन या आप एक और डेफिनेशन लू कि रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू रिलेशन relation between expected expected value of the dependent variable and the of dependent variable and single independent variable. यही जो हम पढ़ रहे हैं जो हमने इक्वेशन ऊपर डिस्कस किया हम कहते हैं कि द रिलेशन जो है बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इनडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है रिग्रेशन अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि वैन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल ऑफ़ द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ सिंपल और टू वे वेरिएबल डेफिनेशन अब हमारे पास क्या है कि सिंगल सिंगल जो हमारे पास होता है रिग्रेशन वो उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें हमारे पास जो आ, हम कहते हैं कि डिपेंडेंस होती है एस्पेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसमें क्या होता है सिंगल इंडिपेंडेंट एंड व्हेन डिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल ऑन टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें अगर आप डिपेंड कर रहे हो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो ओनली वन है तो वी कैन से इट्स अ सिंगल रिग्रेशन एंड अगर आपके पास आ, हमारे पास ये सिंगल नहीं है बल्कि ये टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इसको कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन हम इसे क्या कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन जिसमें हमारे पास क्या होता है मल्टीपल रिग्रेशन में कि टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं यहाँ हमारे पास क्या होता है टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं तो ये स्टूडेंट और हाँ अगर आपके पास डिपेंडेंस और रिप्रेजेंट आप बाय द स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो उसको रिग्रेशन को हम कहते हैं लीनियर अगर आपके पास यही मैं लिख देती हूँ अगर आपके पास डिपेंडेंस जो है डिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल है वो क्या है स्ट्रेट लाइन है वो आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम क्या कहते हैं लीनियर कहते हैं लीनियर और अगर वो लीनियर नहीं है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कर्वी लीनियर तो ये तो स्टूडेंट वो कॉन्सेप्ट जो रिलेट करते हैं विद द रिलेशन रिग्रेशन ठीक है अब रिग्रेशन में हम टू वेरिएबल यूज़ करते हैं हम कहते हैं कि दिन इन द इन द रिग्रेशन स्टडी आ वेरिएबल हुज़ वेरिएशन वी ट्राई टू एक्सप्लेन डिपेंडेंट वेरिएबल हुज़ वेरिएशन जिस वेरिएशन को जिसकी वेरिएशन को हम बयान करना चाहते हैं एक्सप्लेन करते करना चाहते हैं वो हमारे पास क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाइल्ड एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट इज यूज टू एक्सप्लेन द वेरिएशन अब ये क्या है कि इसमें जो वेरिएशन है वो हमने क्या करनी होती है एक्सप्लेन करनी होती है एंड एक्सप्लन करनी होती है और ये हमारा क्या होता है सोर्स होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या करता है ट्राई टू दैट इज़ यूज़ टू एक्सप्लेन द वेरिएंस ये दैट इज़ यूज ये यूज होता है इट्स अ सोर्स फॉर एक्सप्लेनिंग द वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में जितनी भी वेरिएशन हैं वो आप नोट कर सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ज़रिए वो सोर्स होता है और वो ट्राई टू एक्सप्लेन करता है करने की कोशिश करता है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएशन अगर, अगर हमने नोट करनी है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल में फिर अगर हम एक और टॉपिक आ जाते हैं जिसमें हम डिपेंडेंट एंड इन वेरिएबल्स के नेम्स को एक्सप्लेन करते हैं मैं इसी को आपको बता देती हूँ आगे चल के कि जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम किस तरीके से कह सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट है नहीं ये अपने माइंड में रखने ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एम सी क्यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम देंगे अब स्टूडेंट हमारे पास टू वेरिएबल होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड हमारे पास क्या होता है इंडिपेंडेंट आपके पास ये टू वेरिएबल्स होते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है अब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो उसको हम क्या कह सकते हैं उसको हम जी कहते हैं रिग्रेशन रिग्रेशन भी कहते हैं इस टर्म में आप उसको बोलते हो प्रिडिक्टेड प्रिडिक्ट भी बोलते हैं इस तरह रिस्पॉन्स वेरिएबल भी इसको बोलते हैं अक्सर पूछ लिया जाता है ये मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनके नेम्स क्या है इसको एक्सप्लेन वेरिएबल भी कहते हैं इसको क्या कहते हैंड वेरिएबल भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं जो नॉन रैंडम वेरिएबल होते हैं उसको क्या कहते हैं रिग्रेसर प्रिडिक्टर रिग्रेशन वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जिसमें क्या आ जाते हैं रिग्रेसर रिग्रेसर आ जाते हैं प्रिडिक्टर आ जाते हैं इसको ब्रिडिक्टर भी बोलते हैं इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं ये हमारे पास क्या आ जाते हैं इनके नेम्स आ जाते हैं कि आपके पास टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द रिग्रेशन इक्वेशन में एक हमारे पास क्या होता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वाई जो होता है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स जो होता है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट आप उसको कह सकते हो कि रिग्रेसन प्रिडिक्टन रिस्पॉन्स एक्सप्लेन वेरिएबल एंड आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको आप कहते हो रिग्रेसन प्रिडिक्टर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अक्सर आपसे एम में पूछ लिया

अच्छा स्टूडेंट हम पढ़े हैं डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रॉबिलिस्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉबिलिस्टिक प्रॉबलिस्टिक्स मॉडल अब स्टूडेंट आपको मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि नेम्स देखिए डिटर्मिनिस्टिक जो है इट्स टर्म रिलेट टू मैथ्स ठीक है ये मैथ से टर्म रिलेट करिए एंड प्रोबेबिलिस्टिक जो है इट्स रिलेट विद द प्रोबेबिलिटी तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक तो ये जो है ये मैथ से रिलेट uh, कर रही होती है और ये हमारे पास स्टैटिस्टिक से रिलेट करिए अब बताने का थोड़ा सा मकसद ये था कि जो मैथमेटिकली इक्वेशन होगी ना वो मेरे पास फिक्स होगी उसको आप चेंज नहीं कर सकते बट प्रोबलिस्टिक जो है स्टैटिस्टिक्स है इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं तो ये आपके पास क्या होगा कि एरर को अंदर से रिमूव करना होगा अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबलिस्टिक मॉडल की तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है जिसको हम लेते हैं y इज इक्व टू ए प्लस बी एक्स इसमें b एंड a हमारे पास के. a हमारे पास होता है जी इंटरसेप्ट इसको हम क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं एंड b इज़ द कोफिशेंट जो हमारे पास क्या होता है कॉफिशेंट होता है ऑफ दिस इक्वेशन का y हमारे पास क्या होता है y हमारे पास जी है डिपेंडेंट वेरिएबल है y हमारे पास क्या आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक्स जो है वो हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स रहती हैं वो चेंज नहीं होता है बट वाई आपका एक्स पे डिपेंड करता है जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज चेंज होंगी आपकी वाई की वैल्यूज भी चेंज होंगी अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्रॉबलिट डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को कि हम कहते हैं कि वेयर ए इज़ द वैल्यू ऑफ वाई वेन एक्स इक्वल ज़ीरो इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट एंड बी इंडिकेट द चेंज इन द वन यूनिट चेंज इन द एक्स एंड इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन इट्स अ स्लोप ऑफ द लाइन ये हमारे पास क्या है स्लोप ऑफ लाइन बी आल्सो शो स्लोप ऑफ लाइन एंड ए इज वाई इंटरसेप्ट सब्सिट्यूटिंग अ वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन आर कंप्लीटली वी कैन गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ वाई देन दिनियर रिलेशन इन सच अस इज सैड टू बी डिटरमिस्टिक मॉडल इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देश देती हूं कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सेल्सिस एंड आप कहते हो कि आपके पास सेल्सियस एंड फॉरन हीट के दरम्यान जो रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट वो किस फॉर्म में होता है एफ जो है थर्टी टू प्लस नाइन बाई फाइफ एंड सी इट्स अ फिक्स इक्वेशन ऑफ द सेल्सियस एंड फॉरन हीट रिलेशनशिप इसी तरह अगर आप कहते हो कि एरिया ऑफ द सर्कल जो है उसका आपके पास क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो आपके पास फिक्स एक एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल जो कि हम किससे शो करते हैं हमारे पास क्या होता है हमारे पास आ जाते मैथ्स में जी पाई आर स्क्वायर ठीक है तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड फॉरन नीड वो भी सेम होता है जिसमें हमारे पास फिक्स इक्वेशन uh, आ जाती हैं जिसमें कोई चांसेज नहीं होते हैं एरर्स के उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बट प्रॉबलिस्टिक मॉडल्स क्या आ जाता है कि इसके कंट्रास्ट होते हैं हम कहते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप इन इन सम सिचुएशन इज़ नॉट एग्जैक्ट वो अजेक् एक्जैक्ट नहीं होती सम सिचुएशन में यहाँ तो हम एक्जैक्ट इक्वेशन ले, ले, ले लेते हैं एक्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं इन द डिटर्मिनिस्टिक मॉडल अब डिफरेंस क्या है इन डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रॉबलिस्टिक में कि प्रॉब अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एक्जैक्ट इक्वेशन गिवन नहीं होती प्रॉबलिस्टिक में हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट प्रीशियसली डिटरमाइंड अ पर्सन वेट फ्रॉम हिज हाइट एज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉलो एन एजैक्ट लीनियर फॉर्म जैसे कि हम अगर प्रॉब्लिस्टिक पढ़ें अगर हम ले रहे हैं वेट वेट एंड हाइट को कंपेयर, वेट एंड हाइट का रिलेशनशिप देखकर हम आ, इनको मालूम करना चाहते हैं तो इट्स नॉट अ पॉसिबल यह हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कभी भी गिवन नहीं होगी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी तो ऐसे ऐसा जो मॉडल होता है ना जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती और तो हमारे पास डिटरमाइन द रिलेशन इन सच केसेज इन इज़ देन मॉडिफाई टू अलाउ प्रॉबलिस्टिक मॉडल जो है उसको हम कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होते हैं एरर्स के आने के चांस होते हैं जिसको हम कहते हैं ए प्लस बी प्लस ई हमारे पास ई हमारे पास शो कर रहा होता है एरर को तो हमारे पास यहाँ क्या होते हैं कि एरर के आने के चांसेस आ जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट अगर एक इंसान की हाइट जो है वो हम फिर एजेक्ट नहीं कह सकते कि अगर वो हमारे पास है फाइव पॉइंट सिक्स है तो उसका वेट जो है वो भी उसके लिए एक इक्वेशन नहीं बन सकती है हाइट और वेट का जो रिलेशनशिप है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है बल्कि उसमें से एरर आने के चांसेज़ होते हैं तो जब आपके पास एरर आने के चांसेज़ होते हैं तो दैट टॉम इज़ कॉल्ड आप प्रॉब्लिस मॉडल ठीक है तो वो हमारे पास किसमें यूज हो रही होती है प्रॉबलिस्टिक मॉडल में यूज हो रही होती है तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे और अच्छे तरीके से डिस्कस की भी है अब स्टूडेंट हमारे पास आज जो मेन टॉपिक थे इनशाला जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ली स्क्र रिग्रेशन रिलेशनशिप क्या है फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या है ली स्क्वेयर क्या है और स्कैट डायाग्राम क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनशाला जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आप सबको बताना ज़रूरी था ताकि हम एग्ज़ाम्स में अगर क्योंकि इनमें से आपके एम बहुत ज़्यादा बन सकते हैं तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है आई स्टूडेंट आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर होगी तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज